हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश। मैं आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ कि हम कीबोर्ड में किसी भी टोन्स को सस्टेन कैसे करें विथआउट दिस सस्टेन पैडल। ओके, तो ये जो टॉपिक है वो आप ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमारा बजट नहीं है सस्टेन पैडल लेने के लिए, फिर भी हम सस्टेन कैसे करें कीबोर्ड में टोन्स को, क्योंकि विदाउट सस्टेन ना उतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, सुनने में। तो इसका भी ट्रिक है, मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप अच्छे से देखिए। कीबोर्ड में जो है ना सस्टेन ऑन करने के 3 से 4 तरीके हो सकते हैं। अगर आपको सस्टेन क्या होता है वो नहीं मालूम तो आप वेट कीजिए, मैं अभी आपको कीबोर्ड में बताऊंगा कि सस्टेन क्या होता है। उसके 3 से 4 तरीके हो सकते हैं। एक तो जो है आप सीधा सस्टेन का जो है फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं आपके कीबोर्ड के फंक्शंस में, किसी किसी कीबोर्ड में सस्टेन नाम से भी दिया होता है। ओके, सेकंड जो है आप रिलीज से कर सकते हैं। रिलीज तो लगभग हर कीबोर्ड में दिया होता है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। रिलीज में भी अलग अलग तरीके के रिलीज होते हैं, और एक होता है रिवर्ब वगैरह से भी आप थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ तरीका तो सबसे बेस्ट है, सीधा आप सस्टेन पैडल परचेस कर सकते हैं अगर आपके पास बजट है तो, पर नहीं है तो ये सब तरीके से काम चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी अभी आप नया सीख रहे हैं तो आपको सस्टेन पैडल ज़रूरी है, अगर बजट है तो ले लीजिए, नहीं है तो ऐसे ही काम चलाइए। मैंने भी बहुत दिन तक सस्टेन पैडल यूज़ नहीं किया था जब मैं सीख रहा था। इनबिल्ट सस्टेन होता है कीबोर्ड में, वो मैं यूज़ करता था। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से पियानो सीखना है तो आप हमारे जो है कोर्सेज ले सकते हैं, प्री रिकॉर्डिंग कोर्सेज है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी है, आप जाके वहाँ अच्छे से पढ़ लीजिए, देख सकते हैं क्या क्या उसमें सिखाया जाएगा। और हमारा जो बुक है पियानो जीरो से हीरो, वो तो आप ज़रूर लीजिए, बहुत ही अच्छा बुक है आपके सीखने के लिए, पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, नॉमिनल कॉस्ट में ये बुक आपके पास आ जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम कीबोर्ड पर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सस्टेन क्या होता है, अगर आपको मालूम नहीं है तो। तो सस्टेन देखिए, कीबोर्ड में हम कोई भी टोन्स प्ले करते हैं, कीज प्ले करते हैं, तो उसको हम प्रेस करके तुरंत ही छोड़ेंगे तो वो जो साउंड है ना वो रुकना चाहिए थोड़ा सा, है ना, रुकेगा तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, भरा भरा लगता है साउंड। देखिए अभी सस्टेन ऑफ है, मतलब मैं पैडल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और इनबिल्ट सस्टेन भी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो कीज को तुरंत प्रेस करके छोड़ूंगा ना टोन्स तुरंत ही चले जाएगा, देखो है ना, जितना देर दब रहा है उतना देर आ रहा है, छोड़ रहा हूँ तुरंत चले जा रहा है, मतलब सस्टेन नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा साउंड। और मैं अगर पैडल यूज़ करता हूँ, अब मैंने पैडल प्रेस कर लिया है, अब देखो देखिए अभी तक आ रहा है साउंड, है ना, अभी तक आ रहा है। देखिए इसका सस्टेन लेंथ बोलते हैं इसको, जो कीबोर्ड में रहता है, देखिए देखिए अभी तक आ रहा है टोन, ये अभी तक भी आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये होता है सस्टेन। अगर आप इसमें पैडल यूज़ करते हैं तो ये आपके ऊपर है कितना देर आपको पैडल को रिलीज़ करना है। इनबिल्ट सस्टेन यूज़ करेंगे तो ये आपके ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है, उसका जो इनबिल्ट लेंथ रहेगा उतना देर तक वो सस्टेन होता है, ठीक है ना। इसलिए अगर पैडल यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो इसमें काम चलाइए। देखिए अब थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ आपको कि गाने में कैसा लगता है विदाउट सस्टेन पैडल यूज़ करेंगे ना, खाली खाली लगेगा, देखिए अब सस्टेन में, है ना, ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है ना, कंट्रोल आपके पास रहता है। अब देखिए इसको ऑन कैसे करते हैं सस्टेन को। सबसे पहले हम पैडल यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सस्टेन ऑन करने के 3-4 तरीके मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट तरीका तो है, ये सब कीबोर्ड पे रहता ही है ना, ये फर्स्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ रिलीज से। तो ये कॉर्ग कीबोर्ड है, तो कॉर्ग में कैसे करेंगे, यहाँ जो जिस टोन को आपको करना है, जैसे ग्रैंड पियानो को आपको सस्टेन करना है तो ग्रैंड पियानो पर क्लिक कीजिए, ऊपर ये एरो है इसमें क्लिक कीजिए, एडिट साउंड पर क्लिक कीजिए। एडिट साउंड में यहाँ पर लिख के आ जाएगा, देखिए सब दिया है, अटैक डीके रिलीज वगैरह सब दिया है, तो रिलीज पर क्लिक कीजिए और इसको बढ़ा दीजिए रिलीज को, ये देखिए। रिलीज बढ़ाने के बाद आप अगर कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये सस्टेन होके आएगा, ये देखिए है ना, यहाँ पे देखिए है ना, ये फर्स्ट रिलीज। ये बाकी कीबोर्ड में भी होता है, मैं आपको यामाहा का i500 में भी दिखा देता हूँ ये चीज़ को, इसमें उसमें रिलीज का अलग नॉब दिया हुआ है तो और ज़्यादा आसान है वो। लेफ्ट पे यहाँ पे आप देखिए एक जो है डेमो का ऑप्शन है, ठीक है, वो टोन्स के डेमो है, यहाँ नॉब दिया गया है, नॉब असाइन, और यहाँ दो नॉब दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
उस नॉब से क्या क्या होगा वो यहाँ पे आपको लाई कंट्रोल में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे है ये इस नॉब के लिए है, फर्स्ट नॉब के लिए, और ये जो सेकंड वाला है ये सेकंड नॉब के लिए, ठीक है। तो अगर आप सस्टेन वगैरह यूज़ नहीं करते, आप एक एक करके यहाँ देख सकते हैं। इसको हम लोग मतलब सेट करते करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो इसका काम है वो आप एक एक करके देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नॉब दिया गया है, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 करके नंबरिंग दी हुई है, तो ये नॉब से जो है ना नंबर चेंज होता है। यहाँ पे मैं इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये देखिए नॉब असाइन करके लिखा हुआ है वहाँ पे, देखिए दबाया तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, इस तरीके से ना ये चेंज होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको इस पियानो वाले टोन में मुझे थोड़ा सा सस्टेन करना है, मतलब थोड़ा सा सस्टेन होने चाहिए आवाज़। उसके लिए मैं रिलीज़ को बढ़ाऊंगा। रिलीज़ मतलब यहाँ पे इसको हम जाते कैसे, सेट कैसे करते हैं, देखिए ये रिलीज़ है कितने नंबर पे है, इस 6वें नंबर के सेकंड नॉब पे है, ठीक है। तो ये नॉब असाइन से मैं ना इसको 6 में लाऊंगा, 1 2 3 4 5 6। 6 में जाने के बाद ये वाला जो है ये वाला काम करेगा रिलीज़। अब मैं इसको अगर बढ़ाऊँगा तो देखिए पियानो का टोन जो है वो थोड़ा सा सस्टेन करेगा, है ना, देखिए। यामाहा के कीबोर्ड में ना देखिए रिलीज तो आपको दिया होगा, पर अगर फंक्शंस में जाएंगे, अगर किसी किसी में नॉब नहीं दिया है, 500 में तो डायरेक्ट नॉब दिया हुआ है वहां पे रिलीज का, लेकिन अगर दूसरे कीबोर्ड पे नहीं दिया हुआ है तो आप सबसे पहले सस्टेन करके लिखा होगा, वो सस्टेन फंक्शन आप फाइंड कीजिए। अगर सस्टेन नहीं दिया है तो उसमें रिलीज़ तो ज़रूर दिया होगा फंक्शन में, उसमें भी बहुत सारे रिलीज़ होते हैं, डी रिलीज़, एम रिलीज़ और एस रिलीज़। डी मतलब ड्यूअल रिलीज़, एस मतलब स्प्लिट रिलीज़ और एम मतलब मास्टर रिलीज़। तो जो मास्टर रिलीज़ है ना उसको आपको इंक्रीज़ करना है, तो पूरे कीबोर्ड में सभी जो कीज़ है ना उसका रिलीज़ जो है बढ़ जाएगा।